को देखते हुए लग रहा है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा। सरकार की कोशिश है कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहमति बनाकर संसद को चिल्लाया जा सके। विपक्ष की तरफ से मणिपुर हिंसा, महंगाई और दिल्ली अध्यादेश जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा, तो सरकार का कहना है कि वो नियमों के तहत हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले। तो मॉनसून सत्र का आज से आगाज होने वाला है। कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष द्वारा घेरा जाएगा। मणिपुर हिंसा से लेकर दिल्ली अध्यादेश तक पर विपक्ष सरकार के ऊपर करारा हमला करेगा, सवाल पूछेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि हम हर सवाल के लिए तैयार हैं, हर सवाल पर चर्चा की जाएगी। और ये भी कहना है कि सरकार चाहती है कि सुचारू रूप से सदन की कार्यवाही चल सके। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार सभी मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, रोज रोज नया बहाना विपक्ष बना रही है। तो केंद्रीय मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हर मुद्दे के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ बहाना बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सुनिए। लाना नहीं चाहते है, इसीलिए ऐसे सब पहले ही केवे डाल के रख रहा है। तो उनका डिमांड था, कल क्या था, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए, चर्चा होना। हमने जब हाँ भर दिया, ये नया नया बहाना ढूंढ रहे, ये ठीक नहीं है। लेकिन सर, उनका कहना है कि नियम भी अपने अनुसार बना रहे हैं, जो जो सत्ताधारी पार्टी क्या क्या नियम, ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन पर डिस्कस, शॉर्ट ड्यूरेशन का ही डिस्कशन कभी भी हुआ है। ये परंपरा है, इतिहास है। ये अपने जो अपने अनुकूलता के अनुसार वो जो भी बात करते हैं तो लोग देखते हैं। तो वही केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी बयान सामने आया है। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें जो उनका प्रमुख मुद्दा आया था कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार की ओर से कहा गया, राजनाथ सिंह जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की चर्चा के लिए सरकार तैयार है, माननीय स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा चर्चा के लिए डेट और समय डिसाइड करें। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर पर सदन में चर्चा की जाएगी। मुद्दे पे प्रधानमंत्री के जवाब की मांग हो रही है सर, तो सर नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चाहती है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दे, चर्चा जो है वो प्रधानमंत्री में उसमें शामिल हो। नहीं, चर्चा होगी। सर इधर मुंह कर सर 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 तो आज से मॉनसून सत्र की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इसे लेकर तमाम मंत्री अब आगे बढ़ते हुए सदन की ओर और तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, बयान भी सामने आ रहे हैं। एक ओर जहां विपक्ष मणिपुर हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और इसे लेकर सदन में संसद में हंगामे के भी आसार है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार सरकार की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि वो किसी भी तरीके के चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हमने आपको सुनाया, जो कह रहे थे कि हम हर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है और इसे लेकर अब मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन संसद में हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है
मणिपुर हिंसा, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि अब तक ये हिंसा सरकार शांत नहीं कर पाई है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि हिंसा में अब तक 142 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। यही वजह है कि एक बड़ा मुद्दा विपक्ष के पास है। ना इस देश की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अपना जय जयकार करवाते हैं और कहते हैं कि देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, और देश के अंदर महिलाओं के साथ शर्मसार करने वाली घटना हो रही है। हमको शर्म, हम सबों को इस पर शर्म है, और प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए। देखिए, पहले आज संसद का सत्र शुरू होने दीजिए, और अगर सरकार तैयार है तो सारा काम छोड़कर सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। विभाजन हो गया है मणिपुर का, जो पार्टीशन हो गया है मणिपुर का, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने सरकार की विफलताओं के लिए माफी मांगनी चाहिए, शायद तब मणिपुर के लोगों को थोड़ा सुकून मिले। बड़ा मुद्दा है कि पार्लियामेंट की इज्जत करिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इज्जत करिए। मणिपुर 2.5 महीने से जल रहा है, सब कुछ बर्बाद सा हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी चुप हैं। उनसे चुप्पी तोड़ने का आग्रह करेंगे, चर्चा का आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, पांव पकड़ लेंगे कि प्रधानमंत्री जी बहुत हो गया। देखिए, ये दरिंदगी और हैवानियत की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि मणिपुर की हिंसा 4 महीने से चल रही है। प्रधानमंत्री खामोश हैं, एक क्रूर और संवेदनहीन शासक के रूप में प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए हैं। अगर इतनी बड़ी घटना के बावजूद मोदी जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं सहमति है। देश जल रहा है, मोदी जी खामोश हैं, रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है, यही हालत है। ये निंदनीय है, शर्मनाक है, शर्मनाक हमारे लिए। और एक शब्द भी आज तक किसी भी गवर्नमेंट की साइड से एक शब्द भी आज तक निकला नहीं है। तो आज से संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली, और इन सब के बीच हमने आपको सुनाया कि विपक्ष किस कदर मणिपुर हिंसा को लेकर अग्रेसिव मोड पर है, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा आज संसद में गुजरेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अत्यंत दुख की बात है कि मणिपुर में हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रहा, इससे पूरा देश चिंतित है। भाजपा की लापरवाही की वजह से मणिपुर में अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर को देखकर राजस्थान में लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा की सरकारों को कानून व्यवस्था चलाना क्यों नहीं आता है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, मणिपुर हिंसा जिसे लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही समय में संसद की कार्यवाही शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कुछ बोलने वाले हैं, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। मॉनसून सत्र में